अटेंशन लेडीज, क्या आप प्रेग्नेंट है और करवा चौथ का व्रत रखने का सोच रही हैं? अगर हाँ तो अब आपको चाहिए एक्स्ट्रा केयर। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है सबसे जरूरी। अब आपकी सारी चिंताएं दूर करने का समय आ गया है। करवा चौथ के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को किस प्रकार अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक गर्भवती महिला के लिए काफी समय तक कुछ न खाने पीने के कारण गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें होने लगती है, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है। करवा चौथ का व्रत बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यदि ये व्रत एक बार शुरू कर लिया जाए तो उसे तोड़ना या उसका ना पूरा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करना हिंदू धर्म के अनुसार ठीक नहीं माना गया है। करवा चौथ का उपवास रखना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो सकता है। ऐसे में एक प्रेग्नेंट महिला बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है तो उससे उस पर और उसके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं करवा चौथ में निर्जला व्रत बिल्कुल न रखें। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप ये व्रत ना रखें। याद रखें कि आपके लिए गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना जरूरी है, उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप इस बात का ख्याल नहीं रखेंगी तो यह आपकी और आपके बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिससे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अगर आप ये व्रत रखना चाहते हैं और आपकी मेडिकल कंडीशन सही है तो आप फल खाकर और पानी पीकर ही व्रत रखें। आप सेब, केला, पानी, काजू, किशमिश, बादाम आदि का सेवन कर सकती है। कोशिश करें कि आप दिन भर में कई बार इन चीजों का सेवन करती रहे, जिससे आपको और आपके शिशु को एनर्जी मिलती रहे। ऐसा करने से किसी भी तरह का हानिकारक प्रभाव माँ और बच्चे पर नहीं पड़ता, जिससे दोनों स्वस्थ रहेंगे और आपका उपवास भी पूरा हो जाएगा। कोई भी थकान वाला काम ना करें, ज्यादा से ज्यादा आराम करें। अगर दिन में किसी भी समय आपको चक्कर, एसिडिटी या थकान, इस तरह की कोई भी समस्या महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपकी हालत बिगड़ती है तो आप चंद्रदेव को याद करते हुए दिन में ही अपने पति का चेहरा छलनी से देखकर व्रत को तोड़ सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पूरे समय बाद चांद देखकर ही अपना व्रत खोले। आपको अपनी सेहत के साथ साथ अपने शिशु का भी ख्याल रखना है। व्रत शुरू करने से पहले या सारगी से पहले एक ग्लास दूध जरूर पिए। इससे आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी और जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वे अपने व्रत के दौरान ककड़ी का सेवन करें, क्योंकि ककड़ी में खाने और पीने दोनों की शक्ति होती है। ककड़ी खाने से गर्भवती महिला और शिशु दोनों सुरक्षित रहेंगे और गर्भवती महिला का उपवास भी अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाएगा। तनाव से आजाद रहे। उपवास रखते समय गर्भवती महिला को चाहिए कि वे तनाव से आजाद रहे, किसी भी तरह के अवसाद या चिंता से खुद को दूर रखे और कोई भी तनाव न रखे। ऐसी हालत में स्त्री को चाहिए कि वह तनाव मुक्त और शांत रहे। बहुत टाइट कपड़े ना पहने। गर्भवती महिला को चाहिए कि वह करवा चौथ के दिन उपवास रखते समय बहुत टाइट कपड़े न पहने, ताकि उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी न आए। ऐसे समय में स्त्रियों को चाहिए कि वे आरामदायक व ढीले ढाले कपड़े पहने। किस तरह की प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत न रखने की सलाह दी जाती है? अगर गर्भवती माँ को बीपी संबंधित समस्या है, शुगर लेवल हाई या लो है, शिशु का वजन कम है या गर्भ में पानी की मात्रा कम है, किसी वजन से शिशु की तरफ खून कम पहुँचता है, तो आप ये व्रत बिल्कुल भी न रखे। अगर आखिरी के 3 महीने चल रहे हैं तो भी आप ये व्रत न रखें, क्योंकि इस समय शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और उसे बहुत सारे पोषण की आवश्यकता भी होती है। आशा है आपको पता चल गया होगा कि आपको इस करवा चौथ का व्रत रखना है या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्रेगनेंसी से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।